आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे दादाजी गांव के उन चुनिंदा अधिकारियों में से थे जिनके पास खुद की मोटर बाइक थी। दादाजी का कार्यालय गांव के बाहर की ओर मतलब कि शहर की तरफ था, जिस कारण गांव से शहर और शहर से गांव हर रोज उनके ये आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। चूँकि दादाजी घर में अकेले रहा करते थे तो वो घर पर ताला मारकर काम पर निकलते थे और वापस लौटने पर ही ताला खोलते। एक रोज जब दादाजी काम खत्म करके घर वापस लौट रहे थे तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। रास्ता इस कदर सुनसान था कि दादाजी बाइक की रफ्तार बढ़ाए बिना रह नहीं पाए। हालांकि अभी उतना भी वक्त नहीं हुआ था जो रास्ता इस तरह से खाली हो, पर क्योंकि इलाका गांव का था और बात काफ़ी पुरानी है तो उन दिनों लोग रात हो जाने के बाद घरों से बाहर कम ही निकलते थे और जिस वजह से शाम के वक्त ही ऐसा लगता जैसे बहुत रात हो गई हो। खैर दादाजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इस रास्ते पर हमेशा ही उनका आना जाना लगा रहता था। अभी दादाजी अपनी मोटरसाइकिल को हवा से बातें करा ही रहे थे कि तभी उन्हें हल्का होने की जरूरत महसूस हुई, जिस पर पहले तो कुछ देर तक दादाजी ने बर्दाश्त किया मगर जब नहीं हुआ तो अंत में उन्होंने बाइक को रोड के एक किनारे पर रोका और सड़क से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पीछे हल्का होने लगे। अभी वो हल्का हो ही रहे थे कि दादाजी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर जोर से चमाट मारी हो, मगर जब दादाजी पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। खैर इस बीते एहसास को मन का वहम मानकर दादाजी ने अपना काम निपटाया और अपनी मोटरसाइकिल के पास आए। फिर जैसे ही उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कंधे का सहारा लेकर बाइक पर बैठा हो, मगर उस वक्त दादाजी ने इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया और घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद दादाजी घर पहुँचे और खाना बनाकर खाने के बाद बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने उन्हें कब अपने गोद ले लिया पता ही नहीं लगा। फिर जब दादाजी की नींद खुली तो उन्हें बाहर की ओर से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं, मगर दादाजी की नींद पूरी तरह से तब उड़ गई जब किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दिया। बिस्तर पर से उठकर बैठते ही दादाजी ने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो रात के 2:45 बज रहे थे। इस वक्त दादाजी के दरवाजे पर किसी का आना कोई मामूली बात नहीं थी। जहन में उमड़ रहे ढेर सारे सवालों को लेकर दादाजी दरवाजे पर गए, पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक को छोड़कर जो कि दादाजी को देखकर दूसरी ओर भागने लगा था, जिस पर दादाजी ने कई दफ़ा उसे आवाज़ भी लगाया। अरे रुको, कौन हो तुम? अरे अरे रुको तो सही। मगर वो आदमी था जो रुकने को तैयार ही नहीं था, लिहाजा दादाजी ने फटाफट चप्पल पहना और उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। दादाजी उस आदमी को लगातार आवाज़ दिए जा रहे थे मगर वो आदमी रुकना तो दूर पीछे मुड़कर देख तलक नहीं रहा था। पता नहीं उस वक्त दादाजी को क्या हो गया था जो उनके दिमाग में घर वापस लौटने का एक बार भी ख्याल नहीं आया और वो उस आदमी के पीछे पीछे चलते रहे। यहाँ तक कि दादाजी को ये भी होश नहीं था कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो आदमी एक जगह पर जाकर रुक गया, जिसके साथ ही दादाजी भी वहीं रुक गए। इससे पहले कि वो उस आदमी से कुछ बोल पाते उनका ध्यान उस जगह पर गया जहां वो अभी खड़े थे, तो दादाजी ने पाया कि वो ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां उन्होंने बाइक रोककर पेशाब किया था। इतने में ही वो आदमी दादाजी की ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पल भर के लिए उनका कलेजा मुंह में आ गया था। दरअसल उस आदमी का चेहरा जला हुआ था।
ये देखकर दादाजी ने जैसे ही वहां से भागना चाहा कि उस भूत ने उनकी कमीज पकड़ ली, मगर फिर जैसे ही उस भूत ने दादाजी का गला दबाने के लिए उनके गले को छुआ कि पता नहीं क्यों वो एकदम से जलने लगा और पता नहीं कहां गायब हो गया। और इसी का फायदा उठाकर दादाजी वहां से भाग निकले और जब उन्होंने अपने गले की ओर देखा तो उनके गले में बजरंगबली का एक लॉकेट था जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।